अजय कम इधर, कहाँ देखूँ? बस आ गया, आगे खटगरे में आ गया। अरे वो आज मैंने प्योर जो हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है, मम्मी बहुत दिन से बोल रही थी पहन लो, बट ये इवेंट ऐसा है, बट फिर भी मैंने पहन लिया कि चलो ठीक है पहन ले। हाय, हाउ आर यू? हम परसों मिले थे ना? यस। क्या कहना चाहोगी गोल्ड कोस्ट लेंस के बारे में? अब हम कनेक्टेड होंगे डेफिनेटली, मैं ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ इससे यार, लेट अस नो अबाउट इट। या हमें भी बताइए। हाँ? हमें नहीं पता आपकी राज की बात। एक मिनट, राज की बात, कनेक्शन है राज? मेरा कुछ मेरा काम था ना इसके साथ, मेरे माइंड से हमें याद दिलाई, हमें नहीं पता। ओके बट आई एम कनेक्टेड, दैट्स व्हाई आई एम हियर। और अभी मुझे जाकर अंदर पता चलेगा कि क्या है एक्चुअली। आई एम ऑल, मैं भी कंफ्यूज हूँ कि अवार्ड है क्या है, अवार्ड्स मिल रहा है या लॉन्चिंग पार्टी है, बस मैं ये देखना चाहती हूँ। लॉन्च पार्टी। ओके, सो हाउ मच एक्साइटेड आर यू टू मीट एवरीवन इनसाइड? आई एम वेरी एक्साइटेड। देखती हूँ अंदर मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं, जाकर मिलती हूँ। कौन कौन आया वैसे? बहुत सारे। कौन आया? और मैं हजार बार बोल चुकी हूँ आई लव प्रियंका चहर चौधरी। वेल, प्रियंका और अर्चना के बीच में अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा फाइट हो गई है, जहाँ कहीं ना कहीं जो इतनी अच्छी फ्रेंडशिप दिख रही थी वो बहुत फाइट्स होती हैं, वो तो चलता है, वो आम बात है बिग बॉस के अंदर, बिकॉज वहाँ पर दोस्ती होती है तो लड़ाइयाँ भी होती हैं, और तभी तो आवाम को मज़ा आएगा ना। ऑब्वियसली आवाम तभी तो फील करेगी ओ माई गॉड अभी कुछ हुआ इन लोगों के बीच में। साथ ही जब जब अर्चना की आवाज़ आप सुनिए तो क्या लगता है यही एक बंदी है जो एंटरटेनमेंट कर रही है? नहीं ऐसा, हाँ आवाज़ से एंटरटेनमेंट नहीं, हाँ लेकिन वो स्पार्क है डेफिनेटली, और बहुत अच्छा खेल रही है, वो भी बहुत अच्छा खेल रही है, बट अब तो आउट हो गया मैंने देखा। वेल, साथ ही क्या लगता है कौन से ऐसे कंटेस्टेंट जो आगे तक जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बिग बॉस ने अभी 4 वीक और इंक्रीज कर दिए है डिमांड में। किसमें? लाइक 4 हफ्ते और भी इंक्रीज कर दिया है। रियली? तो बिग बॉस अभी चैलेंजर्स को बुलाएंगे क्या? कहीं ना कहीं ये है कि आरती जाना चाहती है। मैं तो हमेशा रेडी हूँ, मैं तो बुढ़ापे में भी जाऊँगी, 60 साल की भी हो जाऊँगी तब भी बुलाएंगे, तब भी जाऊँगी। सारी ऐसी क्या कुछ आपके प्रोजेक्ट देखने मिलेंगे सभी को? अभी तो मूवी रिलीज हुई है, देन नेक्स्ट माय वेब सीरीज वो रिलीज होगी, देन लेट्स सी आगे 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 आगे। अरे अभी वो जाने उनका काम जाने, मेरे को क्या टीना शालिन अर्चना की लड़ाई हुई मेरे को क्या मतलब है? मुझे बिग बॉस में मज़ा आ रहा है, और लड़ेंगे नहीं तो फिर मज़ा कैसा आएगा? बिल्कुल शांत बैठे रहेंगे, लड़ना एक दूसरे को छेड़ना दोस्ती करना यही तो इम्पोर्टेंट है। मराठी बिग बॉस? मैं मराठी बिग बॉस फॉलो नहीं की। पहले हमने अभी देखा है कि राखी मराठी बिग बॉस। अरे यार तुम, व्हाई आर यू आस्किंग मी? कुछ कहना चाहोगे? नहीं पता नहीं, मैंने नहीं देखा। आई डोंट नो। मैंने नहीं देखा। साजिद खान के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? साजिद मुझे नहीं पता उनको मैं पर्सनली नहीं जानती बाखुदा, लेकिन मैंने जितना भी उन्हें बिग बॉस में देखा वो मुझे बहुत अच्छे लगे, काफ़ी जहीन लगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा समझदार लगे, और उनका जो बात करने का तरीका था, समझाने का तरीका था, उससे वो काफ़ी मैच्योर पर्सनैलिटी लगे। बाकी मुझे पर्सनली बिल्कुल बाखुदा नहीं पता कि वो कैसे इंसान है। लेकिन हाल ही में सलमान खान ने बहुत ही ज़्यादा साजिद खान को एक चिल्लाया वगैरह? नहीं चिल्लाया नहीं, उन्होंने समझाया कि आप एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं। अब्दू के रिलेटेड उन्होंने बोला कि छोटे बच्चे को अगर आप प्यार के रिलेटेड ये सब बातें बोलोगे तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करेगा आप। वो चिल्लाया नहीं है, वो समझाया है। आपको क्या लगता है ये सब चीज़ें सही है या गलत है? अभी क्या होता है ना, आप जब घर में होते हो ना तो आपको पता नहीं होता, आप किसी को टीज करते रहते हो, छेड़ते रहते हो, और आपको ये नहीं पता होता कि वो बाहर जाकर वो मुद्दा कितना बड़ा हो गया है। जैसे हम भी बहुत चीज़ों से लोगों को परेशान करते थे, लेकिन जैसे अगर मैं ख़ानदान पर बात कर देती थी तो बड़ा मुद्दा बना दिया जाता था बाहर के, अर्शिफ खान ने ख़ानदान पर बात कर ली, अभी तो माँ बाप को भी लिया जा रहा है, ख़ानदान पर भी बात की जा रही है, पूरा उनकी ज़ुर्रियात उठाई जा रही है, बट अभी तक कुछ बोला नहीं जा रहा। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। आपको क्या लग रहा है टॉप 3 में कौन जीतेगा? टॉप 3 आई थिंक प्रियंका और
मैंने सोचा था टॉप फाइव अब्दू होगा, बट अब्दू निकल गया। प्रियंका, अंकित और शिव। लास्टली न्यू ईयर सबको हार्दिक शुभकामनाएं क्रिसमस की और न्यू ईयर। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू।